जयपुर में अगले महीने होगी आरएसएस की बड़ी बैठक, ज्ञानवापी और पैगंबर मोहम्मद विवाद पर भी होगा मंथन। 10 लाख नौकरियों का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 1.5 सालों में 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है। देश में चिंता बढ़ाने वाली बेरोजगारी दर के बीच इस घोषणा को काफी अहम माना जा रहा है। सिक्किम में नेपाली फिल्म पर मचा है बवाल, मसला हल होने तक लगा बैन। सिक्किम में रिलीज होने से कुछ दिन पहले फिल्म को राज्य में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। काठमांडू में फिल्म के प्रचार कार्यक्रम के दौरान कथित अभद्र व्यवहार के लिए कबड्डी 4 की अभिनेत्री मिरुना मगर द्वारा एक युवा साधु को थप्पड़ मारने पर भिक्षुओं और विभिन्न संघों ने अपना आक्रोश दर्ज किया। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों की नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता, होम मिनिस्टर अमित शाह का ऐलान। देश की तीनों सेनाओं में भर्ती किए जाने वाले अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में नियुक्ति मिल सकेगी। पैगंबर टिप्पणी पर अलकायदा के बाद आईएस की धमकी, भारत में हमलों की बात कही। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी विवाद में अलकायदा के बाद इस्लामिक स्टेट की भी एंट्री हो गई है। खबर है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भारत में हमलों की धमकी दी है। हाल ही में अलकायदा ने भारत में फियादीन हमलों की धमकी दी थी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज फिर ईडी करेगी पूछताछ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े एक मामले में लगातार दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। राहुल गांधी मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने आज यानी बुधवार को भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।